सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज के रिव्यू में। आज मैं बात करने वाला हूँ कोंडल मूवी के आए हुए रिसेंटली टीजर के बारे में। टीजर के लेंथ की बात करें तो 1 मिनट और 28 सेकंड का टीजर है। आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा ये मूवी किसके बेस्ड है, क्या इसके अंदर एक्सपेक्टेशन है, क्या मूवी करके दे। आप देख रहे हैं सूरज के रिव्यू, सूरज शर्मा। फटाफट शुरू करते हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो भाई कोंडल मूवी, पहले इसके कास्ट की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली आपको एंटोनी वार्गेसे, पेपे, राजबीर सेट्टी, सबीर कल्लारकल, नंदू और मणिकंदन रंजन, प्रमोद वेलियन, प्रतिभा, गौतमी नायर, उषा, जया कुरूप, शरद सभा, सिराज, राहुल, राजा गोपाल। बैनर की बात करते हैं, वीकेंड ब्लॉकबस्टर बैनर के अंडर मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो अजीत मामपल्ली डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो सोफिया पोल। राइटर की बात करें तो अजीत मामपल्ली, रॉयल इन रॉबर्ट, सतीश थोनक्कल। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की बात करें तो मैन डार्विन। प्रोजेक्ट डिजाइन की बात करें तो कैडिन पोल, कैल्विन पोल। एक्शन डायरेक्टर विक्रम मोर, कलाई किंगस्टन, थवासी राज। प्रोडक्शन डिजाइनर की बात करें तो विनय रविंद्रन। म्यूजिक एंड बैकग्राउंड सैम सीएस का है। एडिटर की बात करें तो श्रीजीत सरंग। साउंड डिजाइन साइंस सिनेमा, साउंड मिक्स अरविंद मेनन। आर्ट डायरेक्टर की बात करें तो अरुण कृष्णा। मेकअप की बात करें तो अमल कुमार। कोरियोग्राफर हैं इसमें बाबा भास्कर, रिजधन अब्दुल रसीद। प्रोडक्शन कंट्रोलर जावेद चैम्पू। तो ये पूरा मूवी का टीम है। अभी अपन बात करते हैं बेसिकली इस टीजर में आपको क्या देखने को मिलता है। टीजर को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कोस्टल सीन्स दिखाए जाते हैं, मतलब कि एक समुद्र है और वहाँ पे काफ़ी सारी नाव खड़ी हुई हैं, ऐसा फर्स्ट सीन आप देखेंगे। इसके बाद में अपन को मूवी का मेन लीड हीरो यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोस्टल दो कम्युनिटी के बीच काफ़ी ज़्यादा मारधाड़ हो रही है, घमासान होती हुई यहाँ पर हमको दिखती है। इसके अंदर एंटोनी वार्गेसे जो है कुछ लोगों को मारते हुए आपको दिखाई देंगे। एक यहाँ पर पॉलिटिशियन भी बीच में आता है इनका, शायद बीच बचाव करने के लिए। इसके बाद में ये जो एंटोनी है ये किसी बार या दारू के अड्डे में रेड टाइप यू नो लाइटनिंग में किसी रूम में दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब कि मूवी को मोटा मोटा अपन अगर पकड़ें तो टीजर को देख के ऐसा मालूम चल रहा है कि कोई एक ऐसी सस्पेंस स्टोरी मूवी कैरी करेगी। मे बी शायद एंटोनी उस सस्पेंस के जड़ तक जाने का ट्राई करेंगे। तो इसी बीच हो सकता है उस सस्पेंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अपने को भिड़ंत दिखाई दे रही है जो एंटोनी बेसिकली कर रहे हैं लोगों के, ठीक है। तो ये मेन मूवी का लगता है मेरे को स्टोरी अपना रह सकता है। बाकी चीज़ें मूवी आने के बाद, इसके अंदर ओनम 2024 का डेट डिक्लेयर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी ओनम 6 सितंबर को है 2024। मूवी ज़्यादा दिन नहीं है अपने पास, शायद 10-12 दिन में रिलीज हो जाएगी। मेरी तरफ से भाई इस टीजर को रेटिंग रहेगा 10 में से 7 और बाकी चीज़ें मूवी आने के बाद बताऊंगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे